स्टैंड भी है। हमने किया है मंडी मंदिर एरिया में और उसमें एक AK-47 उसका अम्निशन, तीन पिस्टल, उनके अम्निशन, मैगजीन, UBGL ग्रेनेड, तो ये सारा रिकवरी वहां से हुई है। ये भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि आज सुबह कंबाइंड ऑपरेशन में BSF की खबर के ऊपर हमने हासिल की है। काफ़ी देर से पांसर एरिया में हमारे पास में कुछ इनपुट थे इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि यहाँ पर टनल का एक एग्जिस्टेंस है। अकॉर्डिंगली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर, उसने एंटी टनलिंग कैंपेन जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का हिस्सा है। और 26 जनवरी के दौरान हम लोग ज़्यादा ही सतर्क है। उसी दौरान में यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की BOP है अभ्यार डोगरा और किंगरे दे कोठे, उन दोनों के बीच में काफ़ी घना जंगल और टूटा फूटा इलाका है। पाकिस्तान ने जीरो लाइन से ये टनल खोदी है और ये टनल करीब इंडियन साइड में हमारी असेसमेंट है 140-150 मीटर लंबी है। एंट्री पॉइंट से ये टनल 10-12 फीट नीचे जाते हुए फिर करीब 25 से 30 फुट गहराई में होते हुए वो भी इंडियन साइड में एग्जिट करती है। इसका जो डाया है ये करीब 2 से 3 फुट का डाया है, जिसमें से आदमी आराम से क्रॉलिंग करते हुए जो थोड़ा बैठ के क्रॉस कर सकता है। ये एक काफ़ी डिफिकल्ट इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इसमें आपको याद होगा कि जून लास्ट ईयर 2020 में हमने एक हेक्साकॉप्टर को भी गिराया था जो हथियार और अमुनिशन लेके इंडिया साइड में जा रहा था। उससे पहले 2 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने स्नाइपिंग की थी और
उससे भी करीब 4-5 साल पहले इसी एरिया में फायर असॉल्ट करके कुछ एक बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला किया। तो ये सारी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर कोई टनल बनाने का कार्य शुरू किया हुआ था। इसी तरीके से करीब नवंबर 2019 में भी हमने यहाँ पर कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट देखी थी और उनको न्यूट्रलाइज किया था और उसके बाद में वो वापस भाग गए थे। इस एरिया को काफ़ी हम लोग संवेदनशील मानते थे क्योंकि इसमें पूरा जंगल भरा हुआ है, हमारी साइड में भी और पाकिस्तान की साइड में भी। तो ये एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है, इसका श्रेय मैं हमारे जो ग्राउंड के ऊपर ट्रुप्स हैं उनको देता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता हूँ जिनका रेगुलर इनपुट हमको मिलता रहा है और हम ये इसकी ढूंढ निकालने में कामयाब रहे। सर, इस समय एलओसी से लगभग जो इंफिल्ट्रेशन करना नामुमकिन है क्योंकि जिस तरह से बर्फ गिरी है, तो ऐसे में सर हाल के दिनों में आप देखो शक्करगढ़ को कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, कितने वहां पर लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं, कितने वहां पे मिलिटेंट्स हैं और शक्करगढ़ को ही क्यों चुना जाता है क्योंकि जो इससे पहले भी टनल थी वो भी शक्करगढ़ से खोदी गई थी, ये टनल भी शक्करगढ़ से खोदी गई। शक्करगढ़ शुरू से ही नोटोरियस रहा है, शक्करगढ़ क्या सियालकोट भी उस मामले में पहले रहा है। तो जेएनके के अपोजिट जो भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं और ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इवन पंजाब के अपोजिट भी जाते हैं। यहाँ तक एलओसी का सवाल है, बर्फ के बावजूद भी कई बार अटेम्प्ट्स होती हैं जब वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर हाईवे जो है वो नज़दीक पड़ता है, कुछ एक वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जो हाईवे के साथ साथ में पड़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स बन जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी जो बाउंड्री है ये काफ़ी सेंसिटिव है और इसमें पाकिस्तान साइड में आप देखोगे तो बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने डेलिबरेटली जंगल को रखा हुआ है, टूटी फूटी जमीन है जिसमें वो अपने फार्मर्स को भी नहीं आने देते। तो ये पूरी सोची समझी साजिश के दौरान में के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने हुई है नहीं हुई है ये अभी हम थोड़ा सा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं उनके साथ में जोड़ के देखेंगे तो फिर हम बता पाएंगे कि इसका इस्तेमाल हुआ है। सर 6 महीने में 4 टनल की बात करें, बड़ी छोटी है सर, क्योंकि 6 महीने में 4 टनल का मिला, 6 महीने में 4 टनल डिटेक्ट हुई है, कितनी बड़ी चुनौती बन गया आपके लिए, क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया 4 टनल का 6 महीने के बाद? ये स्पेशल ऑपरेशन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारा एक एंटी टनलिंग कैंपेन जो है वो चला हुआ है, उसी कैंपेन का जो हिस्सा है कि हम लोग इसको उसके तहत जो है वो चल रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। 5 से 6 लॉन्च पैड्स हैं जो सियालकोट और शक्करगढ़ एरिया में पाए जाते हैं। सर शानवा सर न्यूज नेशन से, सर क्योंकि 26 जनवरी को 2 दिन बाकी रह गए हैं तो क्या इस तरह के इनपुट भी हैं कि 26 जनवरी से पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो सकती थी और कुछ ऐसे आपके पास इनपुट थे कि सुरंग के जरिए कोशिशें हो सकती हैं? ऐसी कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है हमारे पास में, लेकिन 26 जनवरी और दूसरे जो हमारे नेशनल डेज होते हैं उसको लेके हम इनपुट हो या ना भी इनपुट हो हम हमेशा इस तरह रहते हैं। किस तरह की तैयारी सर, 26 जनवरी आ रहा है, मौसम भी आपके लिए चुनौती बना हुआ है, तो बॉर्डर की निगरानी कितनी मुश्किल है और किस तरह की तैयारी? बॉर्डर की निगरानी हमारे लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। यहाँ का जो इतिहास है उसको आप देखेंगे तो काफ़ी इंसिडेंट्स फायरिंग के होते रहते हैं, तो ये हमेशा ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और हमारा लगातार प्रयास है कि हम इसमें जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हमें पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इसमें सपोर्ट है, किसी किस्म का कोई कमी की बात नहीं है। सर इस टनल मिली है, क्या इस तरह की और टनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या इनपुट है? दूसरी चीज कि ये जो टनल मिली है इसमें भी पाकिस्तान के कुछ मार्क्स जो बैग्स होते हैं पहले मिले हुए उस तरह के क्या रिकवरीज हैं इसमें? इसमें भी कुछ पाकिस्तान के बैग्स मिले हैं, कुछ बैग्स काफ़ी पुराने हो रखे हैं और
जिस प्रकार की इंजीनियरिंग दूसरी टनल में मिली है सेम टाइप की इंजीनियरिंग इस टनल में भी मिली है। सब कौन लोग हो सकते हैं जो टनल बना दे, क्या लगता है रिस्क की पॉसिबल है कि एक पर्चर पाकिस्तान पे के जो रेंजर या आर्मी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है रेगुलरली इस तरह की टनल बनाने में लगे हुए? इसमें देखिए ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये टनल अगर जीरो लाइन के पास में बनाई है तो बगैर पाकिस्तान रेंजर्स, बगैर पाकिस्तान आर्मी, बगैर आईएसआई की परमिशन के, अप्रूवल के बगैर वो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। जीरो लाइन के ऊपर कोई आदमी नहीं पहुँच सकता है जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। नंबर दो, जो इसमें इंजीनियरिंग एफर्ट है और जिस प्रकार की सॉयल और ग्राउंड चुनी गई है उसमें प्रॉपर एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है। वो थॉट प्रोसेस है कि उसकी स्टडी की गई है साइट की, जमीन की स्टडी करने के बाद में कि कौन सी जमीन है जो टनल को सस्टेन कर सकती है वो बनाई गई है। तीसरा, जो इसमें एफर्ट जो लगी है, जिस प्रकार की बनावट है उसमें लगता है कि किसी एक्सपर्ट का हाथ है। तुझे सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसमें कंकरेंस है और उनका अप्रूवल है साइट को सेलेक्ट करने में, बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे। सर ये जो कह रहे हैं कि चाहे ड्रोन से वेपन ड्रॉप हो गए हैं वो भी पकड़े गए हैं और टनल्स जिन्होंने डिग करी हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या एफर्ट्स हैं उसके ऊपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आप लोग जो देख रहे हैं। सर टोटल टनल्स कितनी हो गई है अब और कितनी टोटल टनल्स हो गई हैं मिल गई हैं जो अभी तक बीएसएफ को और पिछले छः महीने में कितनी टनल्स? टोटल करीब 10 के करीब 10 से 11 टनल्स हमने अभी तक डिटेक्ट कर ली हैं पिछले 6-7 साल के अंदर, और पिछले 6 महीने में जो चौथी टनल है जो हमने सांबा कठुआ एरिया में। सर पाकिस्तान में जो बड़ा मशहूर भाई जो लॉन्चपैड है ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 आतंकी मौजूद थे जो कि इसी टनल के जरिए घुसपैठ करना चाहते थे ताकि 26 जनवरी को बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें, इसके बारे में जानकारी? जो लॉन्च पैड की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस बीओपी से करीब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और हमें भली भांति इस चीज़ की खबर है और हम उस चीज़ को लेकर सतर्क भी हैं और तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।